नमस्कार दोस्तों, सर्दियों के मौसम में गर्माहट पाने के लिए लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं और आप भी शायद सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल करते हो। लेकिन आपको बता दूं कि डॉक्टर इसे लेकर चेतावनी देते हैं कि कमरे में रात भर हीटर चलाकर सोने से आपको नींद आने की समस्या के साथ ही ड्राई स्किन और एलर्जी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही हीटर से निकलने वाली हानिकारक गैस की वजह से आपका दम भी घुट सकता है और जिसके चलते आपकी मौत भी हो सकती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में एक पति पत्नी की रूम हीटर से निकलने वाली गैस से दम घुटने की वजह से मौत हो गई। ये दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के साथ कमरे में रूम हीटर चलाकर सो रहे थे। उस बच्चे की हालत तो गंभीर थी और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। सर्दियों के दौरान हीटर का इस्तेमाल करना काफी आम होता है, लेकिन कई बार लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हीटर का सही तरीके से इस्तेमाल न करने से जान भी जा सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्यों खतरनाक साबित हो सकता है कमरे में रूम हीटर चलाकर सोना। सबसे पहले आपको बता दूं कि हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और ऐसे में इससे हार्ट से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगों में सीने में दर्द जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो लोग हार्ट से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं और स्मोकिंग करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है। साथ ही बच्चों और बूढ़ों के लिए काफी हानिकारक माना जाता है और गैस हीटर का इस्तेमाल करने से नींद में होने वाली मौत का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हीटर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके शरीर में खून की सप्लाई को बंद कर सकती है और जिससे आपके दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता है और इस कंडीशन में आपको ब्रेन हैमरेज और अचानक होने वाली मौत का सामना करना पड़ सकता है। कमरे में हीटर चलाकर सोने से आपको ड्राई स्किन, एलर्जी और कंजक्टिवाइटिस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कंजक्टिवाइटिस आंखों की काफी आम समस्या है और जिसे पिंक आई भी कहा जाता है और ये समस्या होने पर आंखों की कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है। कंजक्टिवा पलकों और आंखों के अंदर के सफेद हिस्से को कवर करने वाली पारदर्शी और एक पतली लेयर होती है और इस समस्या से बचने के लिए अगर आप कमरे में रूम हीटर चलाकर सो रहे हैं तो जरूरी है कि एक बाल्टी पानी जरूर रखें, क्योंकि इससे कमरे में नमी बरकरार रहती है। कमरे में रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि हीटर के आसपास पेपर, फर्नीचर, कंबल इस तरह का सामान ना रखा हो और इन सभी चीजों को हीटर से 2-3 फीट दूर रखें और हीटर को किसी कठोर सतह पर रखें, न कि कारपेट, लकड़ी या प्लास्टिक के ऊपर। इसके अलावा हीटर को कभी खुला ना छोड़ें। जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से बचने के लिए कमरे से बाहर निकलने या बिस्तर पर जाने से पहले हीटर को बंद कर दें और उसका प्लग निकाल दें। अगर आपके रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरी है तो इससे सिर दर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द, असहज महसूस होना, उल्टी आना और कमजोरी, ये सब आपको महसूस भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि कौन से हीटर सेफ होते हैं। दोस्तों, अभी फैन हीटर चलन में है, लेकिन इसके मुकाबले ऑयल हीटर को ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे कमरे को समान तरीके से गर्म करता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सभी तरह के हीटर का इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में कमरे को गर्म रखने के लिए किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक किसी भी हीटर का इस्तेमाल करने की वजह से सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। फैन हीटर और इंफ्रारेड हीटर कमरे में ऑक्सीजन के लेवल और नमी को कम करते हैं, जिससे कि आंखों में ड्राइनेस की समस्या बढ़ती है और नाक में ब्लॉकेज आने लगती है और जिससे सांस लेने में समस्या होती है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि कमरे में रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय एक बाल्टी पानी जरूर रखें, जिससे कि कमरे में नमी बरकरार रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, इन रूम हीटर का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से किसी की जान भी जा सकती है।